फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आए हैं एक नर्सरी में सुबह सुबह। कुछ पौधे मुझे रिपॉटिंग करवाना है और सोच रही हूँ घर के लिए इंटीरियर के लिए एक दो पौधे लूँ। यहाँ पे वो मुझे दिखा रहे हैं एक ब्यूटीफुल सा बेल जो लैवेंडर कलर का है, जो आदित्य को मुझे दोनों को पसंद है। हम लोग सोच रहे हैं उसको हमारे भिल्ला में लेके लगाएंगे। बहुत बड़ा पौधा है, इसको यहाँ से भिल्ला तक कैसे लिया जाए वही डिस्कशन हो रहा है। अभी मैं देख रही हूँ टॉल प्लांट मुझे एक लेना है हमारे जो लिविंग रूम का सोफ़ा का जो कॉर्नर है वहाँ पे लगाने के लिए। बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे फिडेलिफ फिट है और एरिका पाम है, बट ये दोनों प्लांट्स ऑलरेडी मैं ट्राई कर चुकी हूँ घर में। मुझे कुछ नया लेना है, आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे दिखे कितना सुंदर सीजनल फ्लावर्स है मेरे घर में भी। फ्लावर्स मैं आजकल फ्लावर प्लांट्स लगा रही हूँ, बट सीजनल प्लांट्स का क्या है ना कि सीजन खत्म हो जाएगा क्या? तो और फूल नहीं आएगी। चलिए अभी फिर वही रिपॉटिंग होने के बाद मेरा दो पॉट खाली हो गया, उसमें क्या लगाएंगे हम लोग सोच रहे हैं, डिसाइड करेंगे। क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर जो इंडोर प्लांट्स है वो मनी प्लांट है और वो लो मेंटेनेंस प्लांट्स है जिसको रखना भी चाहिए, क्योंकि घर के अंदर जो प्लांट्स रखा जाता है उसका ज़्यादा केयर करने के लिए कभी कभी हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है और केयर नहीं कर पाते हैं हम। घर में जो जो पौधे हम लोग लगाएंगे वो होना चाहिए थोड़ा सा लो बजट में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सविता क्रिएटिविटी। अभी टाइम हुआ है 12:30 पे, अभी थोड़ा बाहर निकल रही हूँ फ्रेंड्स के साथ। हम लोग को आज बाहर लंच करना है, कल भी बाहर गई थी, आज भी थोड़ा प्लान बन गया इसलिए जा रही हूँ। और बंगलोर का वेदर हॉरिबल है, हॉरिबल इन द सेंस एंजॉय कर रही हूँ वेदर, बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। पूरा आप लोग को अभी कैमरा घुमा के देखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, निकलूँगी, बट क्लाइमेट एकदम क्लाउडी जैसा है, ये नो ड्रिजलिंग हो रहा है। एंड सबसे ज़्यादा जो चीज़ है जो घर में बैठ के चाय पकौड़े खाने वाला जो वेदर कोजी कोजी सा वेदर वो है, अच्छा लग रहा है, बट बाहर जाने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होता है। एनीवे कोई बात नहीं, हम लोग अभी जाएंगे लंच करेंगे, कोरमंगला जा रही हूँ एक रेस्टोरेंट पे, हो सकता है तो सूट करूँगी, नहीं हो पाएगा तो नहीं कर पाऊँगी। और मैं आज एक चूड़ीदार कुर्ता पहनी हूँ, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कुर्ता है। आउटफिट आप लोगों को हमेशा दिखाती हूँ तो ये दिखा देती हूँ, ये वाला एक विंटर ये लेती हूँ ले रही हूँ, ये मैंने कल खरीदा, आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मैंने कल खरीदा मेरे फ्रेंड के पास से। इसको इसके ऊपर पहन लूँगी, अच्छा लगेगा क्योंकि ये सूट पूरा ब्लैक है और यहाँ पर थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी का काम है। इसको पहनने से ये एम्ब्रॉयडरी छुप जाएगा, बट कोई बात नहीं, ठंडी है बाहर, पहनना पड़ेगा, कोई उसको स्किप नहीं कर सकते। इसको हाथ में ले रही हूँ क्योंकि ये मैच करेगा यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं डिटेलिंग से ये चीज़ का, ये जो इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, और ये है नेक इसका पूरा ब्लैक का, पास में से दिखा रही हूँ, ये उलेन का है, सुंदर है, बहुत सुंदर है जी, दूर से दिखा रही हूँ ऐसे है, ठीक है। आशा करती हूँ कि ये सूट के ऊपर अच्छा लगेगा, ये इंडियन क्लोथ्स या वेस्टर्न क्लोथ्स जो भी पहनो उसके ऊपर ये जाएगा। लंच करना तो एक बहाना है, हम लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, मजे करते हैं, वही है हमारा बीच बीच में मिलना, और वो करना भी चाहिए क्योंकि पूरा दिन घर में रहना और घर का काम करना, खुद का काम करना, उसमें हम लोग इतना उलझ जाते हैं कि खुद का जो एक मन करता है कुछ करने के लिए, खुद का कुछ जो रहता है कि फ्रेंड के साथ थोड़ा बात किया जाए, जाके बाहर थोड़ा एंजॉय किया जाए, उसको भी बीच बीच में करना चाहिए। हर दिन तो नहीं हो पाता, बट एटलीस्ट 15 डेज में वंस जिसको जैसे टाइम मिले वही हिसाब से थोड़ा सा बाहर जाना भी जरूर होता है, ये मैं सोचती हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताना। अभी आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करने का था, मेरा जो बेटा है शुभम है, शुभम हांगकांग में पढ़ता है, जो मेरे नए फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं नए मेरे चैनल में, उन लोगों को शायद पता नहीं होता, मेरे एक ही ये बेटा है जो हांगकांग में इंजीनियरिंग कर रहा है। उसका बर्थडे है 14 नवम्बर जो चिल्ड्रंस डे में। सीजन एंड डिलीवरी था इसलिए वो डेट हम लोगों ने चुने थे, और
इस मैं जनरली ट्राई करती हूँ कि उसके जो बर्थ डेट है उसमें थोड़ा सा पूजा करूँ भगवान के पास, उसका जो ब्राइट फ्यूचर उसका कामना करूँ। और मैं चाहती हूँ मेरे आसपास जितने लोग हैं, जितने उसके वेल विशर हैं, सब उसको आशीर्वाद दें, क्योंकि आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति होता है। ब्लेसिंग्स ऐसा एक चीज़ है कि बहुत कुछ को बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है, बहुत कुछ बन जाता है उसमें, वो मैं विश्वास करती हूँ उसमें। सो आप लोगों के पास भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो मेरे ये देख रहे हैं, ये ब्लॉग आज तो फ्राइडे है, मैं हो सकता है तो कल करूँगी, कल आप लोगों के पास पहुँचेगा, नहीं तो परसों पहुँचेगा, बट मंडे उसका बर्थडे है, उसको ब्लेसिंग्स देना कि वो उसका एक ब्राइट फ्यूचर बने, वो एक अच्छा ह्यूमन बींग बने। वो ऐसे ही बहुत एक अच्छा बच्चा है, बट और ज़्यादा तरक्की करें उसके लाइफ में। चलिए अभी टाइम हो गया है, मुझे निकलना है घर से रेस्टोरेंट के लिए, वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मेरा, लगभग मुझे 20 मिनट्स लगेगा पहुँचने के लिए, फिर भी नीचे जाऊँगा, नीचे जाके अभी मिलती हूँ आपके साथ रेस्टोरेंट में, हो सकता है तो, नहीं हो सकता है तो आफ्टरनून में रिटर्न करने के बाद फिर आप लोग के साथ बात करूँगी। फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा जो फ्लैट का एंट्रेंस का हालत, सब ग्रीन प्लांट्स को टॉल स्टैंड से निकाल के मैंने ये दोनों साइड में रख दिया। सो आप लोगों को पता है कि मेन डोर के सामने ये वाला जो टॉल स्टैंड है इसमें मेरा ग्रीन प्लांट्स रहता है। हम लोगों ने इसका मेकओवर कर रहे हैं, इसका पेंटिंग ख़राब हो गया था, सो मैंने सोचा उसको थोड़ा कलर चेंज कर दिया जाए और थोड़ा सा अच्छा लगे। आपके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेक उसका पेंटिंग हो जाने के बाद इसको कैसे डेकोरेशन करूँगी, कैसे कौन सा चीज़ कहाँ पे रखूँगी, क्या करूँगी, आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। आप तो देखते रहिए। आके पहुँच गए हूँ डेस्टिनेशन पे, ये है रिजर्व है रेस्टोरेंट। सो यहाँ पे हम लोग आए हैं लंच के लिए। सो एक्चुअली ये ना लास्ट टाइम भी हम लोग ने प्लान किए थे यहाँ पे आने के लिए, बट कुछ प्रॉब्लम हुआ इसलिए हम लोगों ने आ नहीं पाए। इस बार हम लोगों ने सोचा कि वो तो चॉइस करके रखे थे उसको, उसको जाएंगे और देखेंगे। अभी देखिए ये उसका एंट्रेंस में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर में इनका, सेकंड फ्लोर में हुआ होगा मुझे नहीं पता, फर्स्ट फ्लोर आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है फर्स्ट फ्लोर का सिटिंग अरेंजमेंट। सो बहुत अच्छा लगा इंटीरियर एम्बियंस दोनों, बैठ के एक्चुअली एंजॉय करने जैसा जगह है। आप लोगों को पता है मैं बैंगलोर में जहाँ जहाँ जाती हूँ, हम लोग जहाँ पे गेट टुगेदर करते हैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। अभी हम लोगों ने आए थर्ड फ्लोर में जहाँ पे हम बैठने के लिए डिसाइड किए, ये शशि है। सो ये है रूफ टॉप जो जहाँ पे पूरा आराम से आप लोग बैठ के नेचुरल चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं और खाना भी खाएंगे। ये हम लोगों का एक ग्रुप फोटो मैंने यहाँ पे डाल दिया, अंदर और कुछ करने के लिए टाइम नहीं मिला। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हुआ है 6:20, पूरा अंधेरा हो गया है। और हम आज गए, मैंने जैसे आप लोगों के साथ लास्ट बात की थी ना, हम गए थे लंच के लिए फ्रेंड्स लोगों के साथ, और उससे आते आते 4:00 हो गया था, एग्जैक्टली 4:00 हो गया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा ड्रेस व्रेस चेंज करके सब कुछ करके थोड़ा फ्रेश होके मैं सोचा थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ, क्योंकि हल्का सा टायर्ड लग रहा था। सो रेस्ट लेते लेते मेरा आँख थोड़ा लग गई, 10-15 मिनट होगा। उसके बाद चाय का टाइम, चाय फिनिश की, बोली थी आप लोगों को चाय पे मिलूँगी बट भूल गए कैमरा ऑन करने के लिए। सो अभी जैसे 6:25 होने को चला है, मैं जनरली ये टाइम में जाती हूँ नीचे वॉक करने के लिए, बट आज बैंगलोर का वेदर इतना ख़राब है, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा है जाने के लिए नीचे। बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। तमिलनाडु में कुछ साइक्लोन वगैरह है, उसका इम्पैक्ट बैंगलोर के ऊपर पड़ा है, ऐसा मैं सुनी हूँ। सो ये है, और अभी मैंने सोचा कि जाके दियावाती करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अंधेरा हो चुकी है। जैसे मैंने आप लोगों को बोली, आजकल बैंगलोर में 5:45 के अंदर अंधेरा हो जाती है, 5:30 से 5:45 के अंदर ही हो जाती है अंधेरा। और आज बहुत मौज मस्ती किए, बहुत मैंने मज़ा किए, बातें किए, चिट चैट किए, खाना भी बहुत टेस्टी था। सो कोरमंगला गए थे, जैसे मैंने आप लोगों को बोली रिजर्वर रेस्टोरेंट, उसका जितना क्लिप है मैं
ऐड कर दिया, ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप लोग देखे होंगे। सो अभी चलते हैं। क्यों मैंने कैमरा ऑन की ना, मेरा आज बहुत कुछ एक डिश बनाने का बहुत मन है रात को डिनर के लिए। फ्राइडे रात को हम लोग जनरली कुछ स्पेशल तो बनाते हैं। सो मैं सोच रही हूँ किचन में अभी जाऊँगी और चिकन चाप बनाऊँगी। चिकन चाप आप लोगों को पता है कि नहीं? मुझे नहीं पता है। वो एक बंगाली चिकन डिश है, मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो बनाऊँगी तो डेफिनेटली आप लोग के साथ, आप लोगों को साथ में लेके जाऊँगी मेरे किचन में एंड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे किचन में बहुत दिन से रेसिपी नहीं गया और आप लोगों का डिमांड था कि दीदी आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं रेसिपी। चलिए किचन में जाते हैं और रेसिपी चालू करते हैं और आप लोग चलिए मेरे साथ किचन में। और आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। आप लोग तो करते नहीं हो। सो जब मैं मेरे चैनल में वीडियो शेयर करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप लोग आराम से उसको देख पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ। और आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किए हैं ज्वेलरी कलेक्शन दिखाने के लिए, पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगी, ट्राई कर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल। फ्रेंड्स आ गई हूँ किचन में, अभी हम बनाएंगे चिकन चाप। उसके लिए मैंने पहले एक मसाला प्रिपेयर करूँगी। इसके लिए लिया मैंने एक बड़ा साइज़ का ऑनियन, एक स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, आप लोग सेपरेटली जिंजर गार्लिक भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून दही इसमें डाला और 10 से 12 कैश्यू नट्स भी यहाँ पर डाली हूँ मैं। और इसमें डालूँगी थोड़ा सा खसखस या जो जिसको बोलते हैं ना पोस्त, जो उसके बाद इसमें डालूँगी 2 से 3 ग्रीन चिली, उसको मिला के एक पेस्ट बना के मैंने रख दिया। ये है चिकन पीसेस, ये चिकन पीसेस को मैरिनेट करेंगे, जो पेस्ट बना के रखे थे उसको डालेंगे। और एक मैं होममेड चिकन चाप मसाला यहाँ पे यूज कर रही हूँ और स्वाद के मुताबिक सॉल्ट पे यहाँ पे ले रही हूँ। इसमें हम डालेंगे डाबर का जो केवड़ा एसेंस थोड़ा सा, और थोड़ा सा जो क्या बोलती हूँ जो रोज़ वाटर, ये दोनों को, ये सब मसाला को एक साथ मिक्स करेंगे चिकन के साथ। यहाँ पर चिकन पीसेस बड़ा बड़ा पीसेस आप ले सकते हैं, लेने से अच्छा लगेगा। और लेग और थाई मिक्स होकर जो पीस आता है ना वो वाला भी आप ले सकते हैं। चिकन चाप का मैरिनेशन आप लोगों को दिखाती हूँ। मसाला को अच्छा से लगा के उसको आधा घंटा से 1 घंटा रेस्ट में रख लेंगे। अभी कढ़ाई में मैं ली हूँ सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल के साथ 1/2 टीस्पून आप घी भी ऐड कर सकते हैं, सो दैट उसका फ्लेवर अच्छा आएगा। अभी जो मैरिनेशन से जो चिकन पीसेस है उसको हम लोग यहाँ पे डाल के उसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छा से फ्राई करेंगे। ये जो अच्छा, बहुत का अच्छा अरोमा इसमें से निकलता है। देखिए जो चिकन है ये कितना सुंदर से गोल्डन ब्राउन हो गया है एक साइड से। अभी हम लोग इसको पलटा देंगे, पलटा के दूसरा साइड को भी गोल्डन ब्राउन होने तक लीड कवर करके छोड़ देंगे। अभी आप लोग देख पा रहे हैं मैंने लीड उठा दिया और दोनों साइड अच्छा से गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग पलट पलट के इसको फ्राई करेंगे। आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि इसको ज़्यादा ओवर कुक, माने जैसे ओवर कुक हो जाएगा वैसे पकाना नहीं, क्योंकि ये ग्रेवी के साथ फिर भी कुक होगा। सो जस्ट एक क्रॉस्ट, आउटसाइड क्रॉस्ट आने तक हम लोग उसको फ्राई करेंगे। उसके बाद जो मैरिनेशन का मसाला बच गया था हमारा उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे और थोड़ा सा पानी लेके वो जितना बर्तन में मसाला लगा रहा था उसको अच्छा से क्लीन करके इसमें डाल देंगे। सो अभी ये जो मैरिनेशन का मसाला के साथ चिकन को कुक होने के लिए 4 से 5 मिनट्स हम लोग छोड़ सकते हैं, आराम से छोड़ेंगे और उसको बीच बीच में पलटा देंगे और लीड कवर करके उसको कुक होने के लिए छोड़ेंगे। लगभग 5 से 7 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि ये जो मसाला है वो मसाला अच्छा से कुक हो गया है, ऑयल और घी किनारे पे आ गया है और ये बहुत अच्छा एक कलर भी इसमें आ गया। सो अभी आप लोगों को देखना है कि आप कितना रखोगे ग्रेवी। ग्रेवी आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा गुनगुना पानी उसमें ऐड कर सकते हैं। और तो 2 से 3 मिनट के बाद हमारा चिकन चाप रेडी है। सो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। सो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। फिर मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ, नया रेसिपी के साथ, इंटीरियर डेकोर का आइडियाज़ के साथ बहुत जल्द मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।